आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे ने किया ट्रिपल मर्डर, पति पत्नी और बेटी की हत्या। परिवार के वैवाहिक समारोह में जाते समय हुई वारदात, तीनों को बांकी से गला रेत कर उतारा मौत के घाट, हत्यारोपी हुआ गिरफ्तार। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने दी जानकारी। सीएम सिटी के डीएम ने दिखाए तेवर तो अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी हुई गुम। व्यापारियों ने बजाई तालियां, डीएम ने कहा उनकी पूरी टीम की है उन कार्यालयों पे नजर जहां दलाल हैं सक्रिय, कुछ को भेजा है जेल, जल्द ही कई जाएंगे जेल, मजबूती से लागू कराएंगे जनहित गारंटी अधिनियम। कथित तौर पर अपने आप को एसएसबी का जवान बताने वाला निकला लुटेरा, कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 95,000 रुपए, घटना में प्रयुक्त मोबाइल व मोटरसाइकिल किया बरामद। सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने किया खुलासा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए शहर के संभ्रांत नागरिकों के साथ की पीस कमेटी की मीटिंग। कहा त्योहार में खलल डालने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। अवैध असलहे के दम पर विभिन्न लोगों से लूट करने वाले 3 अभियुक्तों को गुलरिहा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 देसी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 1 लूट का मोबाइल व पर्स, 17,250 रुपए नगद किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। सोमवारी जाम और महानगर को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए लगाए गए आईटीएमएस इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कंट्रोल रूम का एडीजी जोन अखिल कुमार ने किया औचक निरीक्षण। कहा आईटीएमएस के बारे में लोगों को किया जाए जागरूक ताकि ट्रैफिक नियमों का हो सके पालन। नगर निगम व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अपर एसडीएम सदर अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में गणेश चौराहा से लेकर विश्वविद्यालय चौराहा तक दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को अभियान चलाकर करवाया खाली। कहा दोबारा अतिक्रमण करने वाले दुकानदार के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। ग्यारहवीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं डीडीएमए के संयुक्त तत्वाधान में राप्ती नदी के तट पर एक दिवसीय बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यशाला का किया गया आयोजन। आपदा सखी एवं आपदा मित्रों को किया गया प्रशिक्षित। कहा संबंधित सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें तो परिणाम होगा अच्छा। व्यापारी बंधुओं के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। जाना व्यापारियों से उनकी और महानगर की समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में गोरखपुर को पूरे यूपी में मिला दूसरा स्थान। सीएमओ ने कहा प्रयास रहेगा कि अगले माह जनपद आए प्रथम स्थान पर। नागरिक सुरक्षा कोर के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। कहा 29 अप्रैल को ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का आयोजन कर किया जाएगा युद्ध अभ्यास। और 25 अप्रैल से आईसीएसई एवं सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हुई शुरू। परीक्षार्थी छात्राओं ने कहा नहीं करना पड़ा किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना, पेपर हुआ बहुत ही अच्छा।